हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए आज हम यूज़ करने वाले इस तरह से पॉली बैग्स का। इस तरह से के बैग हमारे पास काफ़ी सारे रखे होते हैं फ्रेंड्स, हम ऐसे ही फेंक देते हैं। आज हम इसका यूज़ करने वाले, बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले, बिना कट लगाए हम बहुत ही प्यारा सा एक ब्यूटीफुल सा बैग रेडी करने वाले, जो कि मार्केट में बड़े कॉस्टली मिलते हैं। सबसे पहले देखिए, इस बैग की साइड्स में से मैंने कट लगा के इसको एक सिंगल एक पीस रेडी कर लिया है। देखिए साइड में से मैंने इसको खोल लिया यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से खोलने के बाद इस तरह से एक पीस हमारा पूरा रेडी हो गया है। देखिए अब साइड्स में से इसके हैंडल को भी मैं कट कर देती हूँ। अब इसी के इक्वल मेजरमेंट का एक कपड़ा और मैं ले लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको दोनों कपड़ों को आपस में अटैच कर लिया है इस तरह से, और इन पर सिलाई लगा ली है। इसकी मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, 13x18 इंच का ये पीस मैंने लिया है। बिल्कुल 5 मिनट में बनके ये बैग रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये बैग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये बैग कैसा लगा। वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और जो मेरे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों साइड 2.5 इंच की एक लंबी लाइन लगा ली है। देखिए इस साइड भी और दूसरी साइड भी। देखिए इस तरह से मार्क करने, पहले हम मार्क निशान लगा लेते हैं। इस तरह से मैंने पूरे पे निशान लगा लिया। इन निशानों को आपस में मिलाते हुए ये देखिए इस तरह से, अब हमें क्या करना है, इसको मैं दूसरी तरफ पलट लेती हूँ। इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 1 पाउंड की सिलाई लगानी है, यानी कि 1/2 इंच से भी कम इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है दोनों तरफ। ये देखिए सिलाई मेरी लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी की मिक्स एंड मैच का एक कपड़ा और चाहिए। ये देखिए इस तरह से, उसमें से मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए, ऊपर की तरफ उल्टी साइड है, इस तरह से रखते हुए दोनों पे हमने लंबाई में सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे पर सिलाई लगा ली और पाइप इन से हमने इस पर निकाल ली है। अब हमें इस साइड से इस तरह से इसको खोल लेते हैं पूरे को। यहाँ पर हम हैंडल को अटैच करेंगे। हैंडल के अटैच करने के लिए सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ से देखिए मैं निशान, यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं 3 इंच पे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी हम 3 इंच पे निशान लगाते हैं। यहाँ पर हमें हैंडल को अटैच करना है। हैंडल अटैच करने के लिए हम यहाँ पर पहले से ही निशान लगा लेते हैं। सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड भी 3-3 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब देखिए इसी की मिक्स मैच के मैंने हैंडल को भी रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से, इसके बीच में मैंने राइस बैग लगाया क्योंकि जो इसके साथ जो कपड़ा था वो जो हैंडल थे वो छोटे थे फ्रेंड्स। देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो है 1 इंच और जो लंबाई है वो है 21.5 इंच। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से जो निशान हमने लगाया उसके ऊपर हम इस तरह से घुमाते हुए इसको रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, 5 मिनट में बन के ये बैग हमारा रेडी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बैग है। देखिए इस तरह से मैंने एक स्ट्रिप और ली है। इस तरह से हम इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ विदाउट जिप हम इस बैग को रेडी करेंगे। 3.5 इंच की ये स्ट्रिप है चौड़ी, लंबाई जितनी इसकी है उतनी ही इस स्ट्रिप की लंबाई है। ठीक है, यहाँ सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उप फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, अब अंदर की तरफ जो कपड़ा बच गया है उसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। मैं इसे बिना चैन के बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो फ्रंट चैन वगैरह लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरी सिलाई लगा ली यहाँ पर भी, सेम इस तरह इस साइड भी और उस साइड भी। ठीक है, देखिए अब हम इसको सीधी साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इसे हैंडल को अंदर कर देंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। साथ के साथ इसके रफ एजेस भी क्लीन कर लिए मैंने। ये देखिए इस तरह से, अब हमें क्या करना है, अब इसका बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और जो हमने बाहर की तरफ जो स्ट्रिप लगाई थी उससे अंदर का जो मार्जिन बचेगा वहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन बच रहा है और यहाँ पे मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ।
सेम इसी तरह हमें दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बैग कैसा लगा। चलिए मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, आपको देखने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा ये बैग। देखिए इस तरह से मैं इसको सीधा दूसरी तरफ पलट लेती हूँ। आप चाहो तो यहाँ से इसको कट करके पाइपिंग से फिनिश भी कर सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारी लुक आई है इसकी साइड्स में से, देखिए कितना अच्छा बॉर्डर बन के हमारा ये रेडी हुआ है। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी, ये देखिए कितना अच्छा हुआ और बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ ये हमारा बैग रेडी हुआ है। आप कहीं भी मार्केट वगैरह में जाओ तो शॉपिंग करने जाओ तो इस तरह के बैग हमें साथ लेके जानी चाहिए, पर क्योंकि प्लास्टिक बैग से उस पर बैन लगा हुआ है। और ये देखिए काफ़ी लंबे टाइम तक ये बैग चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, आप कितना भी सामान इसमें रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप चाहो तो यहाँ पे कोई बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई आइडिया के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।